डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो नाउ वी विल स्टार्ट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इस चैप्टर में हम लोग बेसिक बातें करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे हम लेबल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेबल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेबल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इसमें माइक्रो मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सेल, ठीक। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, पॉपुलेशन क्रिएट होता है। क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। यही ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन मिलते हैं, कम्युनिटीज बनती हैं। क्या बनाते हैं? कम्युनिटीज बनती हैं। और यही ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज जब इकट्ठा होते हैं तो क्या बनाते हैं? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इकट्ठा होते हैं, क्या बनाते हैं? कम्युनिटीज बनाते हैं। यही ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज जब इकट्ठा होते हैं तो क्या बनाते हैं? ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज इकट्ठा होते हैं, ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज को इकोसिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इको सिस्टम कहा जाता है। और ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? बायोमी बनाते हैं, बायोम्स बनाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर दैट इज लेबल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेबल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सेल, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कम्युनिटीज, ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज इकोसिस्टम, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोमी, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आगे देखते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं नोट में इंपॉर्टेंट बात करते हैं। नोट में देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोट में हम देखते हैं कि जो आपका द बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर टुगेदर मेक्स द, आइए देखते हैं, द बायोटिक एंड, द बायोटिक एंड ए बायोटिक, द बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर टूगेदर, फैक्टर टूगेदर्स मेक्स, फैक्टर टूगेदर मेक्स द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द इन मेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर टूगेदर मेक्स द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट है कि द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर टूगेदर मेक्स द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखते हैं मेजर बायोमी की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले हम इकोलॉजी बेसिकली कंसर्न्ड विद, इकोलॉजी जो होता है, इकोलॉजी बेसिकली कंसर्न्ड
इकोलॉजी बेसिकली किससे कंसर्न होता है, ठीक है। तो इसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं, क्या आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं, पॉपुलेशन आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं, पॉपुलेशन आते हैं, कम्युनिटीज आते हैं, कम्युनिटीज आते हैं, इकोसिस्टम आते हैं, इकोसिस्टम आते हैं, और क्या आते हैं, बायोम्स आते हैं, ठीक है ना, बायोमी आते हैं, ठीक। सो दैट इज इकोलॉजी बेसिकली कंसर्न्ड विद, इकोलॉजी बेसिकली कंसर्न्ड विद ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड बायोमी। देन हम आगे बात करते हैं, मेजर बायोमी की बात करते हैं। यहां पे देखते हैं कि मेजर बायोमी क्या क्या होते हैं। मेजर बायोम्स की बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, मेजर बायोम्स में हम देखते हैं डेजर्ट आते हैं, रेन फॉरेस्ट आते हैं, इसमें क्या क्या आएंगे, डेजर्ट आएंगे, और क्या आएंगे, रेन फॉरेस्ट आएंगे, डेजर्ट आएंगे, रेन फॉरेस्ट आएंगे, ठीक है। सी कोस्ट भी आता है इसमें, डेजर्ट आते हैं, रेन फॉरेस्ट आते हैं, टुंड्रा आते हैं, टुंड्रा आते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट आते हैं इसमें, टेम्परेट फॉरेस्ट आते हैं इसमें, कॉनिफेरस, कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी आते हैं इसमें, कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी आते हैं इसमें, ठीक है ना, कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी इसमें आते हैं। और क्या इसमें आएंगे, ग्रासलैंड भी आते हैं, सी कोस्ट भी आते हैं, ग्रासलैंड भी आते हैं, सी कोस्ट भी आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज मेजर बायोमी। मेजर बायोमी में क्या क्या क्लियर करते हैं, यहाँ पे डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड सी कोस्ट, दैट इज मेजर बायोमी। ये सब क्या है, मेजर बायोम्स है, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं, दैट इज मेजर बायोमी। फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स, फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम, मेजर बायोम्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी, एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी, एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ, एंड ड्यूरेशन ऑफ, एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, आप कह सकते हैं एनुअल इन प्रेसिपिटेशन, एनुअल इन, एनुअल इन प्रेसिपिटेशन, एनुअल इन प्रेसिपिटेशन। तो डेट इज फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोमी, एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, एनुअल इन प्रेसिपिटेशन, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं प्रेसिपिटेशन में क्या क्या पाए जाते हैं, प्रेसिपिटेशन इंक्लूड, प्रेसिपिटेशन में क्या क्या पाए जाते हैं, प्रेसिपिटेशन इंक्लूड, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रेसिपिटेशन में बोथ रेन्स एंड स्नो दोनों पाए जाते हैं, बोथ रेन्स एंड स्नो दोनों पाए जाते हैं, स्नो, रेन्स एंड स्नो दोनों पाए जाते हैं। देन हम बात करते हैं आगे, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, आइए देखते हैं टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल,
टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सोयल। टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकल रीबैलेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज द मोस्ट, टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल रीवायलेंट इकोलॉजिकल रीवायलेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर दैट दैट इज फैक्टर ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, दैट इज फैक्टर ऑफ इकोलॉजी, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकल रीबैलेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकल रीबैलेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। देन हम आगे बात करते हैं इसमें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट आर आल्सो, आइए देखते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स आर आल्सो, बायोटिक कंपोनेंट आर आल्सो पैथोजन, पैरासाइट, पैथोजन, पैथोजन, पैरासाइट, प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स एंड कंपटीटर ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड कंपटीटर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कंपटीटर ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर दैट बायोटिक कंपोनेंट आर आल्सो पैथोजन, पैरासाइट, प्रीडेटर्स एंड कंपटीटर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। देन हम आगे बात करते हैं, रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं, रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं, रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि टेम्परेचर का जो रेंज होता है, इन रेंज फ्रॉम सब जीरो लेवल, इन रेंज फ्रॉम सब जीरो लेवल, इन रेंज फ्रॉम सब जीरो लेवल, ठीक, इन रेंज फ्रॉम सब जीरो लेवल, इन पोलर एरियाज, इन पोलर एरियाज, इन पोलर एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड टू, एंड हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड्स टू एंड हाई एल्टीट्यूड्स टू इज ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस, इज ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर, इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर, इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर दैट रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर इन रेंज फ्रॉम सब जीरो लेवल, पोलर एरियाज, रेंज इन रेंज फ्रॉम सब जीरो लेवल, इन पोलर एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड टू इज ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर, इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर। देन हम आगे बात करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट बात करते हैं यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ठीक। यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म, अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट, अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट्स, a few organism can tolerate and thrives, and thrives, a few organism can tolerate and thrives in a wide range of temperature, in a
वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, इन ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर दे आर कॉल्ड यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म. सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर दैट यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म, अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्रिव्स इन ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म. देन हम आगे बात करते हैं स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म की. स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं. स्टीनो थर्मल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर डेट अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसमें कह सकते हैं अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज, आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज, आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. डियर स्टूडेंट्स, स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, डेट इज कॉल्ड स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म, डेट इज कॉल्ड स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म. देन हम आगे बात करते हैं द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज. द लेवल ऑफ द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस, द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, आप कह सकते हैं द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट, डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट, लार्ज एक्सटेंट दियर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दियर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दियर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट दियर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. देन हम बात करते हैं आगे वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म. वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म. देन हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि
लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड इन अनसस्टेनेबल वाटर एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर. सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर दैट वाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म. Life on earth originated in water. Life on earth originated in water and is unsustainable without water. So dear students, आज के इस chapter में हमने organism and population की बातें की. इसको start करते हैं, इसकी basic बातें हमने किया. तो आज के इस class में इतना ही, बाकी बातें हम next class में करेंगे. So thank you.